विचार रहा मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अभी तक साइंटिस्टों को सिर्फ ये चार फोर्सेस ही फंडामेंटल, मतलब एटॉम, मतलब जो भी फोर्सेस कोई भी फोर्स है, या आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, कोई भी फोर्स है, वो इन्हीं चारों का पार्ट होगा, ठीक है। इसलिए इन्हें बोला जाता है फंडामेंटल फोर्स। इनके चार पार्ट हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स चार ही देखी गई है, पांचवी अभी तक देखी नहीं गई है। ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कोई और फंडामेंटल फोर्स भी एग्जिस्ट करती हो जो इसमें एडेड है। चार है नाम, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, एक मिनट। यस, अब आ रही है, देखो जरा अच्छी तरीके से। अभी भी नहीं आ रही, यस आ रही है, देखो। Yes, आ रही है क्या? ओके ठीक है। यस अथर्व, आ रही है क्या आवाज? जरा मुझे एक बार क्लियर कर दो, बता दो। ठीक है, तो फोर्सेस जो मैंने आपको बताई थी, फंडामेंटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और हम इनको एक एक करके डिस्कस कर रहे थे। हमने सबसे पहली फोर्स जो है फंडामेंटल फोर्स डिस्कस की थी, सबसे पहली ग्रेविटेशन फोर्स डिस्कस की। ग्रेविटेशन फोर्स आपको पता है क्या होती है, कि दो मास के बीच में फोर्स लगती है, एक मास दूसरे मास को खींचने की कोशिश करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और जो लॉ उसने बनाया था, लॉ ये किसने दी थी, ऑब्वियस सी बात है, किसने जो है डिस्कवर की थी, तो वो न्यूटन ने की थी, हमें पता है न्यूटन ने की थी। तो न्यूटन ने जो फॉर्मूला बताया, मतलब मैग्नीट्यूड निकाल के दिया, मैग्नीट्यूड मतलब कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है, तो कितनी फोर्स के साथ कर रहा है, एक फॉर्मूला चाहिए होगा। ठीक है, अब आ रही है आवाज? ठीक है, तो जो फॉर्मूला दिया था दैट इज गिवन बाय न्यूटन, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स व्हाट डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, इसी को बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बाय द वे ये लॉ है, तो आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जहां पे भी लॉ आएगा तो उसका कोई ये मतलब मान्य है, ठीक है ना, मानना मतलब कि ये हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है, देयर इज नो प्रूफ। आप ऐसे सोचो कि लॉ जो है न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया, उससे एक लॉ बना दिया, ठीक है, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, देयर इज नो कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिलेगा आपको कि कोई थ्योरी बनी है उसके लिए, कि थ्योरी थ्योरेटिकली प्रूफ
आपने कैलकुलेट किया हो, नहीं मान्य है ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट किया ये आ गया ठीक है। ओके तो हमें पता है कि कितनी होती है फोर्स, फोर्स होती है जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, ये सभी आप पढ़ चुके होंगे कभी, 9th क्लास में पढ़ा होगा ठीक है। इसे इस इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, वाई इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ठीक है। ये जो है नेचर में बहुत जगह देखा गया है, एटलीस्ट दो दो फोर्सेस तो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती हैं ठीक है। हम देखेंगे अभी जी, इसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, तो कभी आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है, 6.67 × 10^-11। ये जो कांस्टेंट है इसे यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले तो ये हर जगह पे सेम है, हर जगह पे सेम मतलब कि अगर आप दो मार्स को इस गैलेक्सी में रख लो, ये अपनी गैलेक्सी है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, अगर आप यहाँ दो मास रखते हो ठीक है और फोर्स कैलकुलेट करते हो उन दोनों के बीच में, यू विल गेट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इफ यू प्लेस दीज टू मासेस इन सम अदर गैलेक्सी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक जगह पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट अगर 6.67 × 10^-11 है तो दूसरी जगह पे भी उतना ही होगा ठीक है। तो दिस कांस्टेंट, सबसे पहले तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने लिखा है ठीक है, दिस कांस्टेंट डज नॉट चेंज एज वी मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द यूनिवर्स टू अदर पार्ट, ये चेंज नहीं होता। दूसरा जो है इसकी एक और चीज है, व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल, बिकॉज दिस कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पेस ऑफ द मीडियम। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो दो मास है इसके बाहर कौन सा मीडियम है इस पर डिपेंड नहीं करता है ठीक है ना। बाहर मतलब जैसे बाहर एयर हो सकता है, फिर हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, तो चाहे आप दोनों मासेस को वाटर में रख लो, एयर में रखो या वैक्यूम में रखो, ये जो कांस्टेंट है ये सेम रहता है जी, 6.67 × 10^-11, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आप ऐसे बोल सकते हो कि दिस कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम ऑल्सो ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और दिस कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन आउटसाइड मीडियम, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। ओके, हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, प्रॉपर्टीज जो है मैं आपको एक एक करके बताते चलता हूँ ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स नए आए हैं, वैसे तो कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है ये पढ़ाने के लिए अभी तो, क्योंकि मेन चैप्टर तो सेकेंड से ही स्टार्ट होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये फिर भी बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप समझ लो कि लॉज कौन 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 सी फोर्सेज हैं, कौन कौन से लॉज हैं ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आपको यही पढ़ना है और कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए और कुछ है नहीं इसमें ठीक है। मेन जो चीज स्टार्ट होगी वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से स्टार्ट होगा। प्रॉपर्टीज क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो ध्यान देना, ये जो लॉ है जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये हर किसी मास के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये किस मास के लिए एप्लीकेबल है, तो फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मास ओनली, ये सिर्फ पॉइंट मास के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पॉइंट मास के लिए ही आप यूज कर सकते हो। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि पॉइंट मास होता क्या है, मैंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की थी, मैंने एग्जांपल से बताने की कोशिश की थी। जैसे एक कार है, अगर आप देखोगे ये जो कार है इस कार की जो लंबाई है वो 4 मीटर है ठीक है, और ये चलना स्टार्ट करती है पुणे से और इसे जाना है नासिक तक। पुणे से नासिक तक का डिस्टेंस जो होता है वो लगभग होता है
200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर है, और अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी लगभग 2 लाख किलोमीटर, 2 लाख मीटर, ठीक है, 2 लाख मीटर के करीब आएगा। और अगर आप इसका खुद की डायमेंशन देखो, डायमेंशन मतलब साइज का डायमेंशन देखोगे तो क्या आएगा, 4 मीटर, 4 मीटर। इसका खुद का जो साइज है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू द डिस्टेंस इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पुणे टू नासिक, इट इज ट्रेवलिंग 2 लाख मीटर, और इसका खुद का जो साइज है वो 4 मीटर। 4 मीटर जो है बहुत कम है किसके कंपैरिजन में, 2 लाख मीटर के कंपैरिजन में। तो पॉइंट मास डिफाइंड कैसे होता है, तो पॉइंट मास की डेफिनेशन ही ये है, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अ पॉइंट मास इज अ मास कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट मास इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ देखोगे बॉक्स में लिखा हुआ है, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ऑब्जेक्ट या बाई द पार्टिकल इज वेरी मच लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, ये पूरा कर देना इस तरीके से, इज मच लार्जर देन द डायमेंशन और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट मास। अगर ऐसा हो रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है कंपेयर टू डिस्टेंस इट इज ट्रेवलिंग, तो आप उस ऑब्जेक्ट को कैसा मान सकते हो, पॉइंट मास मान सकते हो, ठीक है, तो पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, एक्सटेंडेड मास के लिए एप्लीकेबल नहीं होता ये लॉ। जैसे कि अगर एक कार है, ठीक है, और कार का साइज अगेन 4 मीटर है, बट वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है सिर्फ 100 मीटर, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चली जाए और 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करें, तो अगर आप देखोगे 100 मीटर को आप ये नहीं बोल सकते कि 4 मीटर से बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट दे आर मतलब कंपेरेबल, आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, यू कैन कंपेयर इट, तो कंपेयर कर सकते हो, इसका मतलब इसको आप पॉइंट मास नहीं मानोगे, फिर क्या मानोगे आप, एक्सटेंडेड मास। सो व्हेन बोथ आर कंपेरेबल, बोथ आर कंपेरेबल का मतलब क्या है, द साइज ऑफ द कार, ठीक है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस इट इज ट्रेवलिंग, इफ दे आर कंपेरेबल देन द कार इज नॉट considered as point mass, but it is a extended mass. So, कई बार इसे नाम दिया जाता है continuous mass, extended या continuous mass बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक example से मैंने समझाने की कोशिश की थी कि Newton's law आप देखो कहाँ लगा सकते हो, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। मान लीजिए ये sun है, ये sun है और ये अर्थ है। सन का जो साइज होता है अगर आप उसका रेडियस देखोगे तो लगभग 3 लाख किलोमीटर होता है, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर है। ये सब हम कैलकुलेट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में इसके तरीके हैं कैलकुलेट करने के, तो उस समय हम ध्यान देंगे, उस समय कैलकुलेट करेंगे। तो मैं भी बता दे रहा हूँ, सन का जो रेडियस होता है, रेडियस का मतलब क्या होता है, साइज, 3 लाख किलोमीटर। वैसे ही अर्थ का जो रेडियस है वो होता है 6400 किलोमीटर, और सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है लगभग, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग होता है 10 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 10 करोड़ के करीब, मतलब एक के बाद 8 जीरो। अब अगर मैं ये देखूं कि मैं ये पूछूं आपसे कि क्या आप अर्थ को और सन को पॉइंट मास की तरह कंसिडर कर सकते हो, तो अब आप कंपेयर करो, कंपेयर क्या करना है आपको, आपको अर्थ का साइज, यहाँ पे देखो अर्थ का साइज, अर्थ का साइज है 6400 किलोमीटर, और कंपेयर करो इससे, किससे, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन से कंपेयर करो, 6400 किलोमीटर इज वेरी मच स्मॉलर देन 10 करोड़ किलोमीटर। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप किसी के पास 10 करोड़ रुपए हैं और एक के पास है 6400 रुपये, तो 6400 रुपये कोई वैल्यू नहीं रखते, कोई कीमत नहीं रखते, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि अर्थ क्या एक पॉइंट मास की तरह एक्ट कर रहा है। सन को भी देखोगे तो सन के लिए अगर आप देखोगे तो कितना है, ये लगभग सन का रेडियस है 3 लाख किलोमीटर, और 3 लाख जो है 10 करोड़ के कंपेरिजन में बहुत कम है, तो सन को भी आप क्या मान सकते हो, पॉइंट मास की तरह कंसिडर कर सकते हो। तो
क्योंकि सन और अर्थ को आप पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर पा रहे हो इस केस में, तो आप कौन सा लॉ लगा सकते हो उसमें? अगर आप से कोई पूछा जाए, कोई पूछ ले कि ये बताओ कि सन अर्थ पे कितनी फोर्स लगाएगा, तो आप सबसे पहले बताओगे कि अंदर की तरफ लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, और कितनी फोर्स लगाएगा, तो आप बोल दोगे इस तरीके से, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप समझ में आया होगा सभी को। थोड़ा सा बताते चलोगे ना तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि फिर मैं अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये समझ जाओ कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मास ओनली, आपको ये ध्यान देना है। वैसे तो ये चैप्टर आपके सिलेबस में है, आप 8 चैप्टर ग्रेविटेशन ही है पूरा। ठीक है, तो वहां पे आप ऑलरेडी करने वाले हो, ये पूरी प्रॉपर्टीज फिर से लिखवाऊंगा, लेकिन क्या ये फर्स्ट चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर में एटलीस्ट आपको फिजिक्स के बारे में पता होना चाहिए। जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप फिजिक्स में पढ़ क्या रहे हो, करते क्या हो फिजिक्स में, ठीक है ना? तो इसलिए जो है सबसे पहले आपको फोर्सेस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि फोर्सेस कितनी टाइप की होगी। ठीक है ना, फंडामेंटल फोर्सेस कितने टाइप की। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी जो होगी वो है कि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा क्या फॉलो करती है, न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करती है। वैसे तो दुनिया में ऐसा बोला जाता है कि हर एक फोर्स जो है न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करती ही है। ठीक है, इक्का दुक्का को छोड़ के एक देखी गई है, वो आप नेक्स्ट क्लास में करोगे, 12th क्लास में मैग्नेटिक फोर्स जो होती है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है, अभी 12th में आप देखोगे कि एक ऐसी फोर्स है जो न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो नहीं करती, उसके अलावा दुनिया में हर एक फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करती है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एग्जाम्पल समझने के लिए हमने यहाँ पे देखा था कि मान लीजिए एक वॉल है, ये एक वॉल है, वॉल को एक आदमी जो है धक्का दे रहा है। धक्का देने का मतलब क्या होता है, पुश कर रहा है। पुश करने का मतलब क्या है, फोर्स लगा रहा है। कितनी फोर्स, ये फोर्स 100 न्यूटन। ठीक है, इसको मैं एक्शन फोर्स बोल रहा हूँ। एक्शन का मतलब, एक्शन मतलब जो आदमी ने लगाई कहाँ पे, वॉल पे लगाई, इंसान ने लगाई वॉल पे, तो दिस इज कॉल्ड एक्शन फोर्स। इसका रिएक्शन ये हुआ कि जो वॉल है ये आदमी के हाथों पे, क्योंकि हाथ जो है वॉल के कांटेक्ट में, तो वॉल जो है आदमी के हाथों पे भी उतनी ही फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, 100 न्यूटन। तो अगर आप देखोगे ये दोनों फोर्स, ये है एक्शन फोर्स जो आदमी ने दीवार पे लगाई, और दीवार ने जो आदमी पे लगाई वो होती है रिएक्टिव फोर्स बोल सकते हैं उसे। तो ध्यान देना, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स अलग अलग बॉडी पे लग रही है। अगर आप देखोगे एक्शन फोर्स लग रही है आदमी दीवार पे लगा रहा है, और रिएक्शन फोर्स है जो वॉल आदमी पे लगा रही है, तो दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रही है, एंड दे आर इक्वल एंड अपोजिट। तो ऐसा फोर्स कहीं पे भी आपको दिख जाए, ऐसी फोर्स जो एक बॉडी पे लग रही है, जितनी एक बॉडी दूसरे पे लगा रही है उतनी ही दूसरी पहली बॉडी पे लगा रही है, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करती हैं। ध्यान देना, अब अगर मैं ग्रेविटेशन फोर्स पे कंसिडर करूं कि क्या ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेज हैं, तो आपको पता चलता है कि देखो ये वाला जो मास है M1, ये M2 को अट्रैक्ट करता है अंदर की तरफ विद दिस फोर्स जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। इसको मैंने नाम दिया ऐसे, एफ फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन सेकेंड, इस तरीके से नाम दिया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो दूसरा मास M2 M1 को भी अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ विद द फोर्स ऑफ सेम जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर, उतनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रही हैं, दोनों इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना?
इससे पता चलता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ये फॉलो करती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो कर रही है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अलग है, न्यूटन्स थर्ड लॉ अलग है, ध्यान देना, इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों लॉ एक ही है, मतलब दोनों लॉ एक ही आदमी ने दिए हैं, ठीक है ना। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और उसने बाद में ये प्रूव करके भी दिखाया था कि जो मैं जो फोर्स दे रहा हूँ ग्रेविटेशन फोर्स, वो भी न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो कर रहे हैं, मेरे लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि द नेचर ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज ड्यू टू मास, ठीक है। जब भी किसी भी बॉडी में कोई मास है, ध्यान देना, दुनिया में हर एक बॉडी के पास कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है ना। चाहे आप प्रोटोन लो, इलेक्ट्रॉन लो, हमें सबका मास पता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का मास है, अगर मैं आपसे बोलूं इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो ये आप याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत जगह आता है। कितना होता है? 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। बाय द वे सबको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। यस, सभी को पता है ना। ओके, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻³⁻³ kg, ठीक है। ये याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी पड़ जाएगी, देखना, अभी मैं एक दो न्यूमेरिकल करवाऊंगा। फिर प्रोटॉन का मास जो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन थोड़ा सा ज्यादा भारी होता है, हैवी होता है, कितना होता है ध्यान देना, 1.67 × 10⁻²⁷ kg, ये है प्रोटॉन का मास। रियल लाइफ के कंपैरिजन में देखोगे तो इनके मास बहुत कम है, ठीक है ना, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ये बहुत कम मास है, इसलिए रियल लाइफ में अगर आप मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉन को एक वेइंग मशीन पर रख भी दिया, तो आपको पता चलेगा कि वो मास कैलकुलेट होता नहीं है, क्योंकि इतना कम है, वेइंग मशीन मेजर नहीं करके दे सकती, ध्यान देना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम मेथड देखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। वेइंग मशीन से कैलकुलेट नहीं करते, इनके लिए कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, ठीक है। फिर तीसरा, जो तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन भी आपको याद रखना है। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम ही है, 1.67 × 10⁻²⁻²। तो अब इससे एक चीज पता चलती है कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा, तो आप बोलोगे यस दोनों के पास मास है सर, तो लगाएगा, डेफिनेटली लगाएगा। क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा, दोनों के पास मास है। उसका जो नेचर है वो मास की वजह से, ध्यान देना, जिस बॉडी के पास मास है, जिन दो बॉडीज के पास मास है, अगर मास है तो ये दोनों लगाएंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई पार्टिकल है नहीं वैसे कि जिसके पास मास ना हो, ठीक है। फोटोन्स को बोला जाता है कि फोटोन्स के पास मास नहीं होता जब वो रेस्ट पे रहते हैं, ठीक है। फोटोन्स क्या होते हैं? जो लाइट हमारी आंखों में गिरती है, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स गिर रहे हैं, जिन्हें हम फोटोन्स बोलते हैं। तो फोटोन्स जब रेस्ट पे रहते हैं, ठीक है, मतलब लाइट रेस्ट पे रहती है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि फोटोन के पास मास ही नहीं है। लेकिन हमें पता है कि लाइट रेस्ट पे कैसे रह सकती है, लाइट रेस्ट पे रहती नहीं है कभी, लाइट तो मूव करती रहती है। तो थ्योरेटिकली आप यही बोलोगे कि फोटोन्स के पास भी मास होता है, ठीक है, और फोटोन अगर मास, फोटोन्स के पास मास है, तो फोटोन्स पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकती है। इसलिए कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए लाइट आ रही है ऐसे, तो लाइट आ रही है, इसका मतलब क्या है? फोटोन्स आ रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। कितनी स्पीड से? लाइट की स्पीड से, 3 × 10⁸ m/s। बीच में मान लीजिए अर्थ आ गई, ऐसे यहाँ पे अर्थ आ गई, क्योंकि अर्थ के पास से गुजर रहे हैं और फोटोन्स के पास मास है, ठीक है ना, तो अर्थ क्या करती है, इससे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लाइट बेंड हो जाती है, लाइट बेंड होके ऐसे निकल जाती है। ये पहली बार आइंस्टाइन ने जो है बताया था कि ये जो बेंडिंग है
इसलिए है क्योंकि फोटॉन्स के पास भी मास है। ठीक है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि नेचर ऑफ ग्रेविटेशन फोर्सेस ड्यू टू मास, ये मास की वजह से सारा काम जो चल रहा है। ठीक है ना, जिन दो बॉडी, किसी भी दो बॉडी के पास मास है तो डेफिनेटली उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। ठीक है, और कैसी फोर्स है? इट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। ठीक है, इट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? इट पासिस थ्रू द सेंटर एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर। मतलब ये हमेशा सेंटर से गुजरेंगी, इनको मैं नाम दूंगा आगे चल के सेंटर ऑफ मास। बॉडी का जो है, हर एक बॉडी का कुछ सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है ना, तो अभी तो बस आप ये मान के चलो कि ये सेंटर है। ठीक है ना, इन सेंटरों से गुजरती है। और किधर से गुजरती है और किस तरफ लगती है, ध्यान देना। अगर आप इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दो एक लाइन से, तो इस लाइन के अक्रॉस ही लग सकती है। लाइन के कभी भी ऐसे नहीं लग सकती, ध्यान देना, ऐसे नहीं, लाइन के अक्रॉस ही लगेगी। या तो लाइन के पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी। ठीक है, फिर आपको ध्यान देना। यहां पे मैं एक चीज और लिख देता हूं, द नेचर ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज ड्यू टू मास एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। मतलब ये हमेशा अट्रैक्टिव है, इसका नेचर अट्रैक्टिव ही होता है, मास की वजह से है और अट्रैक्टिव होता है। ठीक है ना, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं दोनों मास, दो मास, कभी भी रिपल्सिव देखा नहीं गया है कभी। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमें पता ही है, रियल लाइफ में हम देखते भी हैं। ठीक है, सेंट्रल फोर्स है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, ये हम देखेंगे वैसे सिक्स चैप्टर में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि कुछ चीज तो कंजर्व है, कंजर्व मतलब जो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो क्या चीज चेंज नहीं होती है? चेंज क्या नहीं होती है, ध्यान देना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। जो टोटल एनर्जी सिस्टम की होती है वो चेंज नहीं होती। जैसे अभी आपने देखा होगा, ये आपने नाइन्थ क्लास में किया होगा, मान लीजिए अर्थ है, दिस इज अर्थ, और आपने h हाइट से एक ऑब्जेक्ट को गिरा दिया, नीचे की तरफ गिरा दिया, ऐसे छोड़ दिया। तो हमें पता है कि नीचे की तरफ जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, बट क्या चीज चेंज नहीं होती। तो हमें कभी पढ़ा होगा कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। काइनेटिक बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल घटती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन दोनों का सम क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। तो जब भी सिस्टम में कॉन्जर्वेटिव फोर्स लगती है, ध्यान देना, ठीक है, सिस्टम मतलब यहाँ पे क्या है, अर्थ और ये ऑब्जेक्ट, ये सिस्टम है। सिस्टम का मतलब ये भी होता है कि जिसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अर्थ और अर्थ के अलावा यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट भी है जो गिर रहा है नीचे की तरफ। तो अर्थ और ऑब्जेक्ट मिलके एक सिस्टम बना दे रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे सोचो। तो अगर सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व रहती है। ठीक है, तो हमें पता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व रहती है जब आप ऑब्जेक्ट को गिराते हो नीचे की तरफ। तो इससे ये भी बोल सकते हो कि सिस्टम के अंदर कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटी। नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी एक क्या है, कॉन्जर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये हम ऑलरेडी सिक्स चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, सिक्स पॉइंट क्या है, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज है एंड अ वीक फोर्स। ये आप ऐसे सोचो कि ग्रेविटेशन जो है ये सबसे ज्यादा वीक फोर्स है, बहुत ज्यादा वीक फोर्स होती है। और मतलब रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा ये बहुत वीक है, और मैंने करके भी दिखाए थे अगर आपको याद होगा तो। फिफ्थ पॉइंट मैं फिर से बता देता हूँ। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे कई बार हम टर्म यूज करते हैं ना, कंजर्व है, दिस क्वांटिटी इज कंजर्व। क्वांटिटी कंजर्व का मतलब क्या होता है, वो क्वांटिटी चेंज नहीं कर रही। ठीक
ठीक है ना, क्वांटिटी अगर चेंज ना करे तो वो क्या बोला जाता है, हमें कैसे बोल देते हैं कि, ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्वांटिटी इज कांस्टेंट या क्वांटिटी इज कंजर्व। तो आप बोलोगे कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है ये, तो क्या चीज कंजर्वड है, क्या चीज चेंज नहीं कर रही। तो क्या चीज चेंज नहीं कर रही है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज या विल रिमेन कंजर्व। ठीक है, सिस्टम यहाँ पे क्या है, अर्थ और ऑब्जेक्ट इन दोनों को मिला दो तो ये क्या है, सिस्टम है। ठीक है, तो सिस्टम की क्या चीज चेंज नहीं कर रही है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं कर रही। ठीक है ना, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। ये हमने क्वेश्चंस भी किए हैं कभी, आपने 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है ना, कैलकुलेट की ऐसे बोल रहे थे कि ऊपर से छोड़ दिया है, तो ये बताओ कि जब अर्थ पे पहुंचेगी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल कितनी होगी और टोटल कितनी होगी। तो आपको आपको याद होगा कि जब वो अर्थ पे पहुंचती थी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आती थी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती थी, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहती थी, फिक्स रहती थी, टोटल एनर्जी कंजर्व। तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं, उल्टा ये बोल सकते हैं कि अगर सिस्टम में, सिस्टम की टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, तो सिस्टम के अंदर कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, कॉन्जर्वेटिव फोर्स लग रही होगी। उल्टा बोल दिया है मैंने। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब ये बहुत दूरी तक लग सकती है, बहुत दूरी तक, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर ये गैलेक्सी है, ये मेरी गैलेक्सी है, और ये यूनिवर्स के लास्ट कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे एक छोटी सी गैलेक्सी है, मान लीजिए हमारा जो यूनिवर्स है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, अगर आप देखोगे तो लगभग बिलियन लाइट ईयर, ठीक है, बिलियंस लाइट ईयर में, लाइट ईयर कितना होता है ये हम देखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। तो बहुत दूरी पे है ये, बहुत दूरी, बोल सकते हो आप इट इज अ इनफाइनाइट रेंज बोल सकते हो, मतलब ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर ये एक यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स है, ये फर्स्ट यूनिवर्स हो गया, ये दूसरा यूनिवर्स है, सम अदर यूनिवर्स, मैं बोल रहा हूं ऐसा, लेकिन ये स्थापित नहीं किया गया, लेकिन न्यूटन ने तो यही बोला था। ठीक है, तो न्यूटन के अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूँ, ये एक यूनिवर्स है और ये दूसरा यूनिवर्स है। ठीक है, यहाँ पे एक मास रखा है, यहाँ पे एक मास रखा है, अब दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा। ठीक है ना, इन्फाइनाइट नहीं होगा, इन्फाइनाइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो इन्फाइनाइट को हम बता नहीं सकते कितना है। ठीक है ना, लेकिन हाँ ये बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो भी, क्योंकि इन्फाइनाइट नहीं है, तो ये वाला मास इस मास को अट्रैक्ट कर रहा होगा। हाँ, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो सकता है वो बहुत कम हो सकता है, लेकिन होगी। हाँ, इन्फाइनाइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, गिन नहीं सकते आप। देखो आप बोलोगे इन्फाइनाइट का मतलब ही है जिसे तो भी आप इसे इनफाइनाइट नहीं बोल सकते। हाँ भी आप बोलोगे दिस इज वेरी लार्ज, ठीक है ना, इनफाइनाइट बोला नहीं जा सकता, ये टर्म जो यूज की जाती है ये बहुत बेकार टर्म है इनफाइनाइट। ठीक है ना, एंडलेस बोल सकते हो, ठीक है ना, बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन इसका कोई गिनती नहीं है, गिनती नहीं है। ठीक है, तो अगर दो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूरी पे हैं, बहुत ज्यादा दूरी पे हैं, तो भी M1 M2 क्या कर रहा होगा, एक दूसरे को खींच रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा विद वेरी स्मॉल फोर्स। ये बिल्कुल वैसे समझाया मैंने, यहां पे समझाया था, देखो ऐसे समझाया कि जो फोर्स है वो जीरो कब लगेगी, ध्यान देना, जब आर इंफिनिटी होता है। तो जब आप आर यहाँ पे इंफिनिटी डालोगे तो ऊपर तो जी M1 M2 है, नीचे क्या आ गया, इंफिनिटी का स्क्वायर, दैट इज इंफिनिटी। तो हमें पता है किसी भी नंबर को, मान लीजिए 10 है, उसको इंफिनिटी से डिवाइड करें तो क्या आता है, जीरो आता है। एक बहुत बड़े नंबर को भी अगर आप इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो भी जीरो ही आएगा, छोटे नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो भी जीरो आएगा। हाँ, अभी याद रखना, अगर आप इंफिनिटी को इंफिनिटी से डिवाइड करते हो तो ये फिर इनडिटर्मिनेट होता है,
ये आप मैथ्स में करोगे, आप इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते। यस, देर विल बी अ फोर्स नो मैटर हाउ स्मॉल इज द डिस्टेंस एंड हाउ लार्ज इज द डिस्टेंस, ठीक है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज फोर्स। जीरो तो सिर्फ इंफिनिटी पे ही लगेगी, ठीक है ना, जीरो का मतलब इंफिनिटी। हाँ मैं ये बोल देता हूं कि दुनिया, अगर दो मास दुनिया में बहुत ज्यादा दूर हैं तो जो फोर्स है वो बहुत कम लगती है, बहुत कम, लेकिन लगती तो है। अब क्योंकि कम लगती है तो हम क्या बोल देते हैं, जीरो लग रही है, ऑलमोस्ट टेंडिंग टूवर्ड जीरो, ऐसे बोल देते हैं कि अगर फोर्स जो है मान लीजिए लग रही है पॉइंट के बाद 10 जीरो, उसके बाद 1, तो आप क्या बोलोगे, सर इसको इतना बड़ा क्यों लिख रहे हो, अप्रोक्सीमेटली जीरो लिख दो। तो बोलूंगा बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसा मान लेते हैं, लेकिन लग तो रही है ना, अगर आप देखोगे 0.00001 न्यूटन। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज जीरो, ठीक है, बट इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इज इनडिटर्मिनेंट। ठीक है, 7 तरीके के इनडिटर्मिनेंट होते हैं। तो मैथ्स तो पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है, फिजिक्स में कहीं कहीं कई बार जो है आपको ये चीजें मिलेंगी आपको कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करूं तो क्या होगा, क्या मिलेगा। तो आप ध्यान रखना, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो इनडिटर्मिनेंट आता है, मतलब आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इससे ये भी पता चलता है कि फोर्स जीरो तभी लगती है, फोर्स तभी जीरो लगती है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स तभी जीरो हो सकती है जब दो मासेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, इनफाइनाइट, देखो 0 न्यूटन लग रही है, बट इन्फिनिटी जैसी कोई चीज होती नहीं है, ठीक है ना, यानी कि फोर्स लगेगी। वाई इनडिटर्मिनेंट, कि ये कुछ ऐसा है देखो कि इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि 1 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करो तो आप क्या बोलोगे, सर इन्फिनिटी, चलो ठीक है 1 को मत करो, ठीक है ना, आप बोलोगे सर 1 को तो 1 से मल्टीप्लाई करो कितनी बार, तो 1 ही आएगा, है ना, 2 को कर लो, चलो अब तो समझ में आ रहा है, 2 को इन्फिनिटी से करो कितनी बार, इन्फिनिटी बार करो 2 को मल्टीप्लाई, इन्फिनिटी आएगा, पता चल रहा है। 3 को मल्टीप्लाई करो इन्फिनिटी से कितना आएगा, इन्फिनिटी। 4 को मल्टीप्लाई करो इन्फिनिटी से कितना आ रहा है, इन्फिनिटी। अब इमेजिन करो अगर आप इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को डिवाइड करो तो कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी को तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, इन्फिनिटी इन्फिनिटी क्या क्या आ गया, 4/3। इन्फिनिटी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 10 इंटू इन्फिनिटी, 5 इंटू इन्फिनिटी, कैंसिल आउट कितना आ गया, 2, तो आंसर 4/3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ, यानी कि आप बता ही नहीं सकते ना कि 4/3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, कुछ भी आ सकता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इनडिटर्मिनेंट, जो आप पता नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है आपको, कभी भी अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए तो ध्यान से समझना, वैसे तो 7 इनडिटर्मिनेंट है, ये आप करोगे मैथ्स में करते हो, ठीक है ना, मैथ्स में पढ़ा नहीं रहा हूं, मैथ्स में किया जाता है, लेकिन फिजिक्स में मैथ्स को एज इट इज यूज कर लिया जाता है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैथ्स इज अ टूल यूज्ड बाय फिजिक्स टू डिराइव इट्स लॉज, लॉज एंड थ्योरीज, थ्योरीज जो है थ्योरीज को डिराइव करने के लिए मैथ्स को यूज किया जाता है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान देनी है, इट इज अ टूल फॉर फिजिक्स, ठीक है, ये टूल। सो इससे एक चीज और, इससे क्या चीज पता चली, दैट इट शोज दैट ग्रेविटेशन फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स। इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, हमेशा जो है इन्फिनिटी, जब मैं बोलता हूं पहली बात तो इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ये चीज ध्यान देना। तो आप बोलोगे सर फिर टर्म यूज की जाती है, हमेशा कंपेयर किया जाता है, हम कंपेयर करते हैं चीजों को, ठीक है ना, हम कंपेयर करना जानते हैं, हम ये नहीं जान सकते कि, हम पहली बात तो ये जान नहीं सकते कि हमारे यूनिवर्स का साइज कितना है या ये दुनिया कितनी बड़ी है, जब हम ये नहीं जान सकते तो हम कैसे बोलें कि इन्फिनिटी जैसी कोई चीज होती है। हम सिर्फ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि
एक आदमी है, ठीक है, आदमी जो है उसका साइज है 2 मीटर, लगभग 2 मीटर हाइट होती है उसकी, और एक मान लीजिए अर्थ है, ये अर्थ है, और अर्थ का जो साइज है अगर उसका डायमीटर देखोगे तो वो होगा 6400 × 2, 12800 किलोमीटर, और आप इसे मीटर में कन्वर्ट करते हो तो आपको पता चलता है ये लगभग आता है 128.150, मतलब 1 करोड़ 28। तो अब मुझे बताओ कि 1 करोड़ 28 लाख जो मीटर है, ये 2 मीटर के कंपैरिजन में क्या है? बहुत ज्यादा है ना? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज दी रेशियो ऑफ साइज ऑफ अर्थ टू रेशियो ऑफ साइज ऑफ मैन, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि अर्थ का साइज है 128,000,000, आदमी का साइज है 2, तो ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, और बड़ा नंबर को हम बोल ऐसे बोल देते हैं टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक चीज दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो हम क्या बोल देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा है तो इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। इंफिनिटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है दुनिया में, ध्यान देना, ये चीज आपको ध्यान देना। कंपेयर करके बोला जाता है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, यहां पे सब कंपैरिजन चलता है, ठीक है ना, 10th क्लास में जो है आपको करवाया होगा कि ये इन्फिनिटी है, तो ये चीज मत समझना कि इन्फिनिटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, हम सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करेंगे, और कंपेयर ही करना हम जानते हैं, कभी भी हम दुनिया में कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं होती, ठीक है ना, एब्सोल्यूट नहीं है, हमेशा कंपेयर किया जाता है, ठीक है। ओके, रिलेटिविस्टिक, ये बहुत बढ़िया टर्म बोली है, इट इज देर इज ऑलवेज रिलेटिविस्टिक, हर चीज रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट कुछ नहीं है इस दुनिया में। न्यूटन के लॉज भी, जैसे फिजिक्स में तो कई बार ऐसे बोल दिए जाते हैं साइंटिस्ट की, जो हमारे लॉज जो हमने बनाए हैं ना, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट लॉ है, ये चेंज नहीं होते टाइम के साथ, ये भी बकवास चीज है एक्चुअल में, ठीक है ना, कोई चीज रिलेटिव नहीं, कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं है, इवन स्पेस एंड टाइम ये भी रिलेटिव है, सब कुछ रिलेटिव चलता है इस दुनिया में, ठीक है ना। हम ये बोल देना कि हम ऐसा बोल देते हैं कि अर्थ जो है, सन जो है वो अपनी जगह पे फिक्स है और सारे के सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं, ये भी बहुत बेकार टर्म होती है। एक्चुअल में क्या है कि सन भी रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, किसके अबाउट, तो हम ग्रेविटेशन में देखेंगे कि सन और अर्थ एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, किस किसका चक्कर लगा रहे हैं, दोनों का सेंटर ऑफ मास। बहुत खतरनाक चीज है ये, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में कोई चीज एब्सोल्यूट है ही नहीं। अगर आप गैलेक्सी की बात करते हो तो देखो कुछ ऐसा है, ये है अर्थ, ये है सन, बोल सकते हो, अब क्या है ये तो नाम दिया हुआ है, ठीक है ना, आप देखो ऐसा होता है, मैं बताता हूं आपको, ये एक बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे एक सन है सिर्फ, अगर सन के अराउंड कोई प्लैनेट ही नहीं है तो वो एक यूनिटरी सिस्टम होगा, ठीक है ना, एक ही मास है उसमें। बाइनरी सिस्टम क्या होगा, बाइनरी, टर्शरी, फिर क्वार्टरी, इसका मतलब क्या होता है, सन के अराउंड कुछ प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये सन है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, ये बहुत सारे प्लैनेट है, किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो ये पूरा सोलर सिस्टम है, ये पूरा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का कहीं ना कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये सारे के सारे उसी के चक्कर लगा रहे होते हैं। बात समझ में? तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या सर सेंटर ऑफ मास एब्सोल्यूट है, तो मैं बोलूंगा नहीं जी, सेंटर ऑफ मास भी एब्सोल्यूट नहीं है, सेंटर ऑफ मास भी चक्कर लगा रहा है किसका, तो सेंटर ऑफ मास चक्कर लगा रहा होता है किसी, जो हमारी गैलेक्सी है पूरी की पूरी गैलेक्सी, उसके बीच में, हम ऐसा बोलते हैं कि बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, ऐसा बोलते हैं,
तो ये जो सेंटर मास है ये ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा है, मतलब हमारा पूरा सोलर सिस्टम जो है ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा है। फिर आप बोलोगे कि सर ब्लैक होल एब्सोल्यूट है, क्या वो रेस्ट पे है? तो मैं बोलूंगा नहीं जी, ब्लैक होल जो है कुछ क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज होंगी उसके अराउंड चक्कर लगा रहा होता है। ब्लैक होल का मतलब क्या है? हमारी पूरी गैलेक्सी क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज के अराउंड चक्कर लगा रही होती है, कुछ क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी होगा उसके अराउंड जो है चक्कर लगा रहा है ये पूरी पूरी गैलेक्सी। फिर आप बोलोगे क्या वो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी किसी के अबाउट चक्कर लगा रही है? तो ऐसे आप आगे चलते चले जाओगे। फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद हमें पता नहीं है, अभी आगे चले पता कि जो यूनिवर्स है वो इटसेल्फ इज अ वन ऑफ द एंटिटी इन अ मल्टीवर्स। मल्टीवर्स में जो है एक छोटा सा यूनिवर्स हमारा एग्जिस्ट करता है और ये यूनिवर्स भी किसी के चक्कर लगा रहा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसा भी हो सकता है कि हम इस सेंचुरी में या अगली 10 सेंचुरी में भी ना पहुंच पाए, क्योंकि बहुत दूरी की बात कर रहे हैं। तो आपको बस ये याद रखो कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है, हर चीज क्या होता है रिलेटिविस्टिक होती है। और जब भी आप किसी चीज को रिलेट कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वहां पे टर्म आती है इंफिनिटी, जैसे कि एक का साइज दूसरे से बहुत ज्यादा है तो हम बोलेंगे द रेशियो ऑफ दीज टू साइज इज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। एक की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में तो हम बोलेंगे एक की वेलोसिटी दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, ऐसा बोलते हैं। आई होप क्लियरिटी हुई होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, एंड इट इज अ वीक फोर्स। तो वीक फोर्स है तो कितनी वीक है? तो आप ऐसा सोचो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के तो बहुत वीक है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि देखो फिर मैं बता रहा हूँ कि हम कंपेयर कर रहे हैं। तो आप बोलोगे कि सर वीक है तो कैसे पता चला आपको वीक है? तो मैंने बोला कि मैंने कंपेयर किया किसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ कंपेयर किया, और मैं करके दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद। आपको पता चलता है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ कंपेयर करते हो तो इसका जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में 10^-38 कंपेयर किया आपने। कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 1 न्यूटन है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो 10^-38 होगी इसकी। तो आप देख सकते हो ये कितनी वीक फोर्स, इट इज अ वेरी वीक फोर्स। ठीक है, तो हम बोल देते हैं इट इज अ वेरी वीक फोर्स। ठीक, दूसरा, अब दूसरी फोर्स जो है मैंने जो है स्टार्ट की थी, मैं स्टार्ट करके जो है अब दूसरी फोर्स पे चलता हूँ। ठीक है, फिर से दूसरी फोर्स जो है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगती है दो चार्ज के बीच में, दो मैग्नेट के बीच में लग सकती है। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर फिर तो क्या ऐसा हो सकता है कि चार्ज के बीच में अलग फोर्स लग रही है, मैग्नेट के बीच में अलग फोर्स लग रही है? तो मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा होता नहीं है। जो इसको इसलिए कंबाइन करके रखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज और मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट। आप हमेशा याद रखना ये एक बहुत बड़ी फोर्स का एक छोटा सा पार्ट है। आप ऐसे सोचो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक बड़ी पार्ट है, एक यूनिफाइड फोर्स है। आप ऐसे सोचो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज ए यूनिफाइड फोर्स, और इसके फिर आप छोटे छोटे पार्ट्स निकलते हैं। चार्ज के बीच में फोर्स लग रही है तो उसे बोल देते हैं फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट के बीच में लग रही है तो फिर मैग्नेट की एक और फोर्स आएगी, ठीक है ना, जो आपने कभी पढ़ी होगी 10th क्लास में, जी एफ, ये इस तरीके से दिखते हैं। M1 क्या है यहाँ पे? पोल स्ट्रेंथ। M2 भी पोल स्ट्रेंथ है। ये दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में लगती है। फिर आपने एक और पढ़ी होगी, बताया जा रहा है यहाँ पे, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं, ये बुक्स में जब आप लखबीर सिंह पढ़ते थे ना, वो 10th क्लास में फिजिक्स, वहां पे लिखी रहती है फोर्स, लिखी रहती थी कि दो चार्ज के बीच में ये फोर्स लगती है, दो पोल्स के बीच में जो मैग्नेटिक पोल्स रहते हैं उनके बीच में ये फोर्स लगती है, ठीक है ना? तो कुछ अलग नहीं है दोनों, ध्यान देना, दोनों अलग नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है। ध्यान देना, इनको दोनों को कंबाइन करके आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में लिख सकते हो। हम सिर्फ, मैं किसकी बारे में बात करूंगा फिर यहाँ पे, जो चार्ज की वजह से लग रही है।
तो ध्यान देना, इफ टू ऑब्जेक्ट हैज चार्ज देन वन चार्ज विल अप्लाई सम फोर्स ऑन दी अदर, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोल देते हैं और कई बार इसको शॉर्ट नाम भी बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये कूलम्स ने दी थी, ठीक है। तो इसे इस फोर्स को जो मेजर करता है, मेजर करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कूलम्स ने किया था और कूलम्स ने अपना नाम दे दिया इसे, कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसी है? तो ये बिल्कुल न्यूटन्स लॉ जैसी ही है। अगर आप देखोगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स थी वो थी G m1 m2 by r square, बस यहाँ पे जो मास है उसकी जगह चार्ज आ गया है। देखो अगर आप देखोगे Q1 and Q2 दो चार्ज लिए r दूरी पे, और थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि दोनों के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब चार्ज भी दो टाइप के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमें पता है जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स आ गई दो लाइक चार्ज के बीच में। लाइक मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव के बीच में कैसी फोर्स लगती है, नेचर कैसा होता है, रिपल्सिव नेचर होगा। और जो अनलाइक चार्जेस है पॉजिटिव नेगेटिव, उनके बीच में अट्रैक्टिव का नेचर आ जाता है। इसलिए थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है इसे समझना, ठीक है ना, क्योंकि ये रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है इसका नेचर। कूलम्स ने कैलकुलेट किया था, तो कूलम्स ने बोला कि कुछ नया फोर्स का, नया फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ही फॉलो करती है, बट इसमें कुछ चीजें ध्यान देने वाली है। फोर्स जो एक चार्ज दूसरे पे लगाता है वो होता है कांस्टेंट, ये के कांस्टेंट है स्मॉल के, Q1 Q2 by r square। तो अगर आप देखोगे मास की जगह चार्ज ने स्थान ले लिया है, और कैपिटल जी वहां पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, उसका स्थान किसने ले लिया है, स्मॉल के ने ले लिया है, ठीक है। Q1 Q2 are the charges एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, ये जो के होता है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे वहां पे जो जी था, कैपिटल जी था, वो था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे जो के है, ये जो स्मॉल के है, ये कांस्टेंट तो है, डेफिनेटली इट इज अ कांस्टेंट, बट इसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज जुड़ी हुई है, इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। मतलब अगर आप मीडियम्स को चेंज करते हो, मीडियम को चेंज करते हो दो चार्ज के बीच में, बीच में मतलब दो चार्ज जो है किस में रखे हुए हैं, मान लीजिए वाटर में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, हाइड्रोजन में रखे हैं या ऑक्सीजन में रखे हैं, तो आप देखोगे तो मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये आउटसाइड मीडियम है, तो ये जो मीडियम है अगर आप चेंज करते हो तो ये जो के की वैल्यू है ये चेंज होती रहती है, तो इसलिए इसे यूनिवर्सल कोई कांस्टेंट नहीं बोल सकता मैं। हाँ, ये कांस्टेंट है बट एक मीडियम के लिए। जैसे कूलम्स ने कैलकुलेट किया किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए कैलकुलेट किया था, कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस मतलब या तो आप फ्री स्पेस बोल लो या वैक्यूम बोल लो, तो वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू जब उसने कैलकुलेट की, मेजर की, तो वो आई लगभग 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं, तो ये फ्री स्पेस के लिए है, ध्यान देना। अगर आप जैसे ही दो चार्ज के बीच में मीडियम जो है वैक्यूम ना रख के पानी रख दो, मान लीजिए वाटर रख दो, तो फिर के की वैल्यू इतनी नहीं रहेगी, के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो के इज इटसेल्फ अ कांस्टेंट बट फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है ना। मीडियम अगर सेम है, मान लीजिए वैक्यूम, तो वैक्यूम है लेकिन अगर आपने गलती से मीडियम चेंज किया तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको। यस, ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या थी? अब प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी ही होती हैं अगर आप देखोगे, क्योंकि ये किस कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल एज इट इज आ जाएंगी। ये जो लॉ है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है ओनली, नॉट पॉइंट मास, पॉइंट
पॉइंट मास वहां पे आता था, यहाँ पे पॉइंट चार्ज आ जाएगा। अच्छा पॉइंट चार्ज क्या होगा? इट इज अ चार्ज हुज साइज इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स। ठीक है, सेम चीज है एज इट इज। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। अब ये पूरी की पूरी आप कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ पढ़ोगे? ये आप 12th में पढ़ोगे, एक्चुअली यहाँ नहीं पढ़ोगे आप 11th में पूरा मैकेनिक्स करते हो, लेकिन चार्ज का बहुत इक्का दुक्का ही जगह जो है आपको मिलेगी, फीलिंग आएगी। अदरवाइज पूरा जो चार्ज से रिलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट, चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेट, ये सब 12th में है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, डेफिनेटली इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो कर रही है, बिल्कुल वही है, ध्यान देना एज इट इज। कैसी फोर्स है? लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज मतलब दो चार्ज अगर बहुत ज्यादा दूरी पे रखे हुए हैं तो भी एक चार्ज दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स है कितनी टाइम्स? 10^38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ओके, अब मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, मैं आपको यहीं से बताता हूं कि ये 10^38 टाइम्स कैसे है, ध्यान देना। तो मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूं, फिर मैं आगे प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा। न्यूमेरिकल देखो क्या है, एग्जांपल ढंग से समझना इस न्यूमेरिकल को, इससे आपको कंपेयर करने में इजी होगी। क्या है ध्यान से समझना, इफ टू प्रोटॉन्स are placed, ध्यान से समझना इस न्यूमेरिकल को, न्यूमेरिकल की आदत डाल लो, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत करने पड़ते हैं 11th में। 11th और 12th पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है और न्यूमेरिकल से ही चीजें समझ में आती हैं, तो आपको न्यूमेरिकल से डरना नहीं है कि न्यूमेरिकल सर क्यों है, थ्योरी करवा देते, नहीं, न्यूमेरिकल आपको करने आने चाहिए। इफ टू प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 meter from each other, find out the ratio of electromagnetic force and gravitational force applied by one proton on other. एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा, उन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो यहां पे मैं दो चीजें आपको बता देता हूं। आपको चार्ज की जरूरत पड़ेगी, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, जो मैंने आपको कभी पढ़ा भी होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है कभी 10th क्लास में पढ़ा होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम रहता है, बस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव रहता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव रहता है। वैसे ही आपको मास की जरूरत पड़ेगी। मास ऑफ प्रोटॉन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कितना था, 1.67 × 10⁻²⁷ kg। अब आप ऐसे सोचो, ये एक प्रोटॉन है, ये एक प्रोटॉन है, एक मीटर दूरी पे रखे, दोनों के पास कुछ चार्ज है, दोनों के पास कुछ मास है, और चार्ज और मास दोनों पे सेम है अगर आप देखोगे। अब अगर आप ढंग से देखोगे तो, क्योंकि दोनों के पास मास है, ध्यान देना, दोनों के पास मास है, तो मास की वजह से कौन सी फोर्स लगेगी? एक प्रोटॉन जो दूसरे पे लगाएगा, कौन सी फोर्स होगी वो? यस, बताएगा कोई? मास की वजह से कौन सी फोर्स लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये वाला जो मास है, ये वाला जो मास है, वो इस वाले मास को अट्रैक्ट करेगा ऐसे,
अट्रैक्ट करना मतलब अंदर की तरफ खींचना, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहले मैं ग्रेविटेशन फोर्स निकाल लेता हूँ। ग्रेविटेशन फोर्स जो होगी वो होगी जी मास ऑफ प्रोटोन, इसे मैं एमपी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। मास ऑफ फर्स्ट प्रोटोन इनटू मास ऑफ सेकंड प्रोटोन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर। जी की वैल्यू है 6.67 10^-11, दोनों का मास लिख देता हूँ 1.67 10^-27, 1.67 10^-27, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 का स्क्वायर न्यूटन। क्योंकि हमें रेशो निकालना है तो मैं ये डिवाइड नहीं करूंगा, ध्यान देना, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ रेशो निकालेंगे, ठीक है। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक प्रोटोन ने दूसरे प्रोटोन पे लगाई, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो फोर्स होगी वो होगी चार्ज की वजह से, और चार्ज की वजह से जो फोर्स लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि दोनों पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसे रिपेल करेगा, पहले वाला चार्ज, ये वाला जो चार्ज है प्रोटोन, इस प्रोटोन को रिपेल भी करेगा। बट इसका जो नेचर है वो कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अब थोड़ी देर के लिए सोच लो कि ये जो पूरा वो पूरा मीडियम है ना, वो वैक्यूम है, मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूं, ठीक है, वैक्यूम की बात हो रही है। क्योंकि तो मैंने आपको बताया कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी वो होगी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये जो K होता है, जो कांस्टेंट है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग है। तो वैक्यूम के लिए कितना था, अगर आपको याद होगा, 9 × 10^9, ठीक है, वैक्यूम के लिए, इसलिए मैंने वैक्यूम लिया है। अदरवाइज अगर आपने मीडियम चेंज किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये आपको K पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो आप 11th में 12th में करोगे, यहाँ करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने वैक्यूम ही ले लिया है। तो 9 × 10^9, दोनों के चार्ज, दोनों के ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 × 10^-19, ये पहले वाले पे है, दूसरे वाले पे 1.6 × 10^-19 डिवाइडेड बाय दोनों का बीच का डिस्टेंस है 1, इतनी न्यूटन। हम चाहते क्या है, हम तो रेशो निकालना चाहते हैं, हमें सिर्फ रेशो निकालना है। वैसे तो फोर्स भी निकाली जा सकती है, दोनों फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हम क्योंकि रेशो निकालना चाहते हैं तो मैं क्या करता हूं, मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, दोनों को डिवाइड करता हूं, देखो कितना आएगा, 9 × 10^9, 1.6 × 10^-19, 1.6 × 10^-19, नीचे आएगा 6.67 −11। कैलकुलेशन करने का तरीका देखना मैं कैसे करूंगा, ध्यान से समझना कैलकुलेशन, हम सिर्फ अप्रोक्सीमेट निकालना चाहते हैं। तो ध्यान देना, ये जो 1.6 है, ये 1.6 कैंसल आउट हो गए डायरेक्टली, ठीक है, हम अप्रोक्सीमेट निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ये अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। तो आंसर देखो क्या आ रहा है, 9/6.67 ऊपर 10^10 देखो क्या आएगी। तो अगर आप देखते हो 10^10 क्या आ रही है, बेस से में पावर ऐड होती है, तो क्या आएगा, 9 − 19 − 19, ये ऊपर आ रहा है। नीचे देखो क्या आएगा, बेस से में पावर ऐड हो गई, कितनी आई, −11 − 27 − 27। नाइन बाय डिवाइडेड बाय नाइन को 6.67 से डिवाइड करते हो तो लगभग आता है 1.5 के करीब या 1.4 के करीब, ठीक है, इनटू 10^10। ऊपर अगर आप देखोगे तो ये आएगा 38 − 9, कितना है, 29, तो −29, और नीचे आता है कितना, नीचे आता है 54 + 11 = −65। आई होप ये चीज समझ में आ रही है सबको, मैं क्या बोल रहा हूं। और ये टर्म ऊपर जाएगी
ये पूरी की पूरी टर्म ऊपर जाएगी, तो ये 10^-29 + 65 हो जाता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगी 1.4 10^ सिक्सटी फाइव में से 39 गया तो लगभग कितना आता है 36। ठीक है, तो देखो अब यहां तो 36 आ रहा है, तो लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ले लेता तो आपको पता चलता कि ये लगभग 10^38 के करीब आता, तो आप देखो जरा कितनी ज्यादा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10^ बोल रहा हूँ 10^36 टाइम्स ग्रेविटी। कुछ आया समझ में कि नहीं? यस, तो अगर आपने इसे छोड़ दिया ना, अगर आप इन दोनों को छोड़ दोगे तो ये कहां भागेगा, ये कहां भागेगा, ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन भागेगा दूर, ये भाग लेंगे दूर, ऐसे दोनों दूर दूर भागेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इतनी ज्यादा लग रही है ग्रेविटी के कम, ग्रेविटी कोशिश कर रही है पास आए, इलेक्ट्रिक फोर्स कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोशिश कर रही है दूर जाए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ज्यादा है 10^36 टाइम्स है, ठीक है ना, वो इतना ज्यादा है कि ये बेचारे पास नहीं है दूर जाएंगे। ठीक है, तो कई बार तो हम यही बोल देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 10^36 टाइम्स ग्रेविटी फोर्स है, तो ग्रेविटी तो आप निग्लेक्ट ही कर दो, ध्यान से समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। सो हमेशा याद रखना, इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जब भी मैं कंपेयर करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को किससे, ग्रेविटी फोर्स, इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स द ग्रेविटी फोर्स इज ऑलवेज निग्लेक्टेड। हम निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, आया समझ में कि नहीं? कई जगह पे ऐसा केसेस आएंगे, कई जगह पे आते हैं और बच्चा जो है ना ये चीज समझ नहीं पाता। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये है न्यूक्लियस और इसके अराउंड जो है अर्थ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है ये आपको पता ही है, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो ये कौन सी फोर्स होगी, ये होगी इलेक्ट्रिक फोर्स, ध्यान देना, और अंदर प्रोटॉन पड़े हैं तो प्रोटॉन के पास कुछ मास होगा, मास ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होता है, ठीक है ना, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगाएंगे एक दूसरे पे, वो भी अट्रैक्टिव होगी, तो नेट फोर्स जो लगनी चाहिए दोनों पे, जो नेट फोर्स लगेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो नेट फोर्स लगेगी, वो आप बोलोगे कि सर क्योंकि दोनों फोर्स लग रही हैं तो दोनों फोर्स इंक्लूड करो, दोनों को ऐड कर दो, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये 10^38 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स अगर 1 न्यूटन भी लगी, मान लीजिए दो, ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में 1 न्यूटन ग्रेविटेशन फोर्स लगी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लग रही होगी, 10^38 × 1 दैट इज 10^38 न्यूटन, तो फिर आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि सर आप ऐड कर रहे हो 10^38 न्यूटन में 1 न्यूटन, तो ऐड ही क्यों कर रहे हो, ये 1 न्यूटन सीधा ही लिख दो ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10^38 न्यूटन, निग्लेक्ट कर दो ग्रेविटेशन फोर्स, क्या बताइए समझ में कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना, ग्रेविटेशन फोर्स कभी भी दो ध्यान देना, कभी भी ध्यान देना, जब भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा वो बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, कभी भी ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लूंगा मैं,
बात आई समझ में? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स इतनी कम लगती है, इतनी कम लगती है कि उसको लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, इतनी कम लग रही है। लेकिन क्या आपको नहीं लेनी चाहिए? अगर आपको एक्यूरेट आंसर निकालना है, एक्यूरेट आंसर निकालना है, तो फिर आप ग्रेविटी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए क्वांटम लेवल पे, क्वांटम मतलब कहाँ पे, एटॉमिक लेवल पे, जहां पे एटम्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की बात हो रही है, वहां पे जो ग्रेविटी है ना वो इतनी वीक लगती है कि उसको इंक्लूड करना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इंक्लूड करना ही मुश्किल है, और ये अभी तक प्रॉब्लम है। अभी तक साइंटिस्ट जो है ग्रेविटी को ढंग से इंक्लूड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि लगती इतनी वीक है, डिटेक्ट ही नहीं हो पाती, पता ही नहीं चलता इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा सब। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये मैंने प्रूव करा दिया, इट इज 10^38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, क्या ये कॉन्जर्वेटिव फोर्स है? यस, इट इज अ कॉन्जर्वेटिव फोर्स। इट इज अ कॉन्जर्वेटिव फोर्स। क्यों है कॉन्जर्वेटिव? अरे भाई, ग्रेविटेशन फोर्स भी तो सेम लॉ ही फॉलो कर रहा था, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशन फोर्स को मैंने आपको बोला था ग्रेविटी, इट इज अ कॉन्जर्वेटिव फोर्स, ये भी बिल्कुल वैसा ही लॉ फॉलो कर रही है, ठीक है ना, क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है, तो इट इज अ कॉन्जर्वेटिव फोर्स। तो क्या चीज कंजर्व रहेगी इसमें, क्या चीज कंजर्व रहती है? कंजर्वेटिव फोर्स अगर लग रही है सिस्टम में, अगर ये कॉन्जर्वेटिव फोर्स है, तो सिस्टम की क्या चीज कंजर्व रहेगी हमेशा? मैंने बताया था अभी, तुम बताएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व, याद रखना है। याद भी नहीं रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिक्स चैप्टर में ऑलरेडी ये बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, कॉन्जर्वेटिव नॉन कॉन्जर्वेटिव कैसी फोर्स है, और ग्रेविटेशन में भी पढ़ोगे आप, तो दो जगह तो ये आप पढ़ने ही वाले हो, ठीक है। इट इज अ कॉन्जर्वेटिव फोर्स। ऐसी नॉन कॉन्जर्वेटिव भी होती है, लेकिन नॉन कॉन्जर्वेटिव फिर मैं वही बताऊंगा, अभी तो यही समझ लो इट इज अ कॉन्जर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ठीक है, और कैसी फोर्स है? ऑफकोर्स इट इज अ सेंट्रल फोर्स, ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है कि ये कहां से गुजरेंगी? सेंटर से गुजरेंगी, चार्ज के सेंटर से गुजरती है। चार्ज के सेंटर से गुजरती है, और ये जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है इसी के अलोंग लगेंगी। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, आप ऐसे सोलर एन लाइक चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ ऐसे, और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। सो सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? दीज फोर्स ऑलवेज पासस थ्रू द सेंटर एंड एक्ट along the line joining the center। बिल्कुल वही है, ठीक है, कुछ नया नहीं है। सेवेंथ, इनका नेचर कैसा हो सकता है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। इट इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, लॉन्ग रेंज है, ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्स, एंड दीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। तो ये मैं ऑलरेडी लिखवा लिखवा चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से 7 पॉइंट काफी रहेंगे, ठीक
है, ये 7 पॉइंट जो है मैंने डिस्कस कर लिया इस तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्स की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट फोर्स कौन सी है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, अब क्या होता है कि एक चीज समझो कि ये दोनों फोर्सेस जो है ना रियल लाइफ में देखी जा सकती है। ये ऑब्वियस सी बात है, ये फोर्स आपने देखी होगी डेफिनेटली। अगर आप कोई भी दो चार्ज लेते हो तो आप चार्ज को पास लेके आओगे तो आपको पता चलेगा कि अट्रैक्टिव लग सकती है, रिपल्सिव भी लग सकती है। दो चार्ज आपने देखा भी है, जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, कंघा लेते हैं, कुंभ लेते हैं, उसे अपने हेयर पे क्या करते हैं, रब करते हैं और कागज जो है अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है ना? ठीक है, चार्ज के वजह से जो है ये फोर्स लग रही है। ठीक है, तो ये रियल लाइफ में देखी जा सकती है। फिर वैसे ही ग्रेविटी फोर्स भी आप रियल लाइफ में देख पाते हो। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के पास गिरा दोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि अर्थ जो है उसे अपनी अपनी तरफ खींचती है, नीचे की तरफ। तो ये जो दो फोर्स हैं ये रियल लाइफ में देखी जा सकती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये कहाँ लगती है? सबसे पहले तो ये न्यूक्लियस के अंदर लगती है। ठीक है ना? न्यूक्लियस मतलब एटम के अंदर जो है न्यूक्लियस है उसके अंदर लगती है। तो अब आपके दिमाग में एकदम आएगा कि सर फिर कैसे पता चला होगा साइंटिस्टों को कि ये लगती भी है कि नहीं? कैसे पता चला होगा लगती, हमें कैसे पता चला जब हम देख ही नहीं सकते रियल लाइफ में? हमने तो अभी तक एटम को भी नहीं देखा है। अगर एटम को नहीं देखा है तो हम तो सिर्फ थ्योरीज बनाते रहते हैं कि एटम ऐसा होगा ऐसा होगा, क्या पता एटम अंदर से बिल्कुल ही अलग दिखता हो। तो हमें कैसे पता चला कि एटम के अंदर जो है, चलो मान लिया न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन न्यूट्रॉन है, उनके बीच में लग रही है, जब हम देख ही नहीं पा रहे हैं, मेजर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे पता चला कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जैसी कोई चीज होती है? तो अब एक चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान देना इस चीज को समझना। बेसिकली होता क्या है कि हमें पता है कि एटम को एग्जिस्ट करने के, अगर एटम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये रदरफोर्ड ने थ्योरी दी थी। ठीक है, तो रदरफोर्ड का ही मैं बता रहा हूं, और बाद में नील बोहर्स ने भी बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में बात की है। आपने पढ़ा होगा सबने रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, सबने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं सबने 10th क्लास में? तो रदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली और ऑब्जर्वेशन के बाद उसने कुछ कंक्लूजन दिए थे। ठीक है ना? कंक्लूजन्स क्या थे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, 9th में पढ़ा था। तो उसने कंक्लूजन ये दिए थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो जेजे थॉमसन था उसने बताया था कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो वाटरमेलन जो स्ट्रक्चर जो है शो किया था उसने, उसने बोला था कि ऐसा कुछ रहता है कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बिखरे हुए हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन रदरफोर्ड ने बोला कि ऐसा होता नहीं है। रदरफोर्ड ने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूक्लियस के अंदर एक जगह पे सेचुरेट रहता है, बिखरा हुआ नहीं रहता एक जगह पे, जिसको उसने नाम दे दिया न्यूक्लियस। और उसने बोला फिर कि इलेक्ट्रॉन, फिर नेगेटिव चार्ज कहाँ होते हैं? तो उसने फिर सोचा कि दुनिया में मैक्सिमम चीजें जो हैं वो एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती हैं, प्लानिटरी स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा कि इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा न्यूक्लियस के अराउंड, तभी ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन सकता है, अदरवाइज ये स्टेबल स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता, कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर रदरफोर्ड की भी कुछ क्या बोलते हैं इसमें वो थे, क्या बोलते हैं इसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है प्रोड्यूस करता है, इसके कारण ये स्पायरल जो है मूव करते 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 कहाँ जाने चले जाना चाहिए, न्यूक्लियस में चले जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो फिर नील बोहर्स आ गया था। तो ये सब आपने ना पढ़ा है, कुछ नया नहीं है। ठीक है,
अब हुआ क्या कि जैसे ही रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया, तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर न्यूक्लियस में एक चीज मुझे बताओ, ये न्यूक्लियस इंटैक्ट कैसे है? क्योंकि अभी आपने बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब ये है कि कौन सी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगी, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपने बताई है अभी, जो कूलम्स लॉ बता रहा था आपने, आपने कूलम्स ने जो दी थी, तो कूलम्स लॉ के तो हिसाब से तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर जाना चाहिए, फिर ये पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को रिपेल कर देगा ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे प्रोटोन न्यूक्लियस में रह नहीं सकते, न्यूक्लियस तो टूट जाना चाहिए ना। आ रहा है समझ में कि नहीं? यस, किसी को समझ में आया ये मैं क्या बोल रहा हूं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है। उसने बोला न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। अब आप बोलोगे कि सर प्रोटॉन प्रोटॉन में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रही है, तो ये तो रिपेल कर जाने चाहिए, और रिपेल कर रहा है यानी कि न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए। लेकिन न्यूक्लियस टूटता नहीं है। अगर न्यूक्लियस टूट गया इसका मतलब एटम ही नहीं है, और दुनिया में एटम नहीं है तो ये पूरा का पूरा जो संसार है ये एक इंस्टेंट में कोलैप्स कर जाएगा। एक इंस्टेंट में कोलैप्स कर गया। यस चलो, तो इससे एक ही चीज पता चलती है कि देर मस्ट बी सम अदर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन दी प्रोटोन्स प्रोटोन्स, ठीक है ना। दो प्रोटोन्स के बीच में डेफिनेटली कुछ और फोर्स भी लग रही है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इन दोनों को दूर भगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ अलग फोर्स भी लग रही है जो इन दोनों को दूर नहीं जाने दे रही। तो वो है, उसका नेचर डेफिनेटली कैसा होगा? फिलहाल अट्रैक्टिव है, ध्यान देना, वो अट्रैक्टिव है, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो इन दोनों को दूर नहीं जाने दे रही है। इस तरीके से जो है अनुमान लगाया गया था, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, यहां तक आया समझ में सभी को? तो ठीक है, ये अब नेक्स्ट पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, कल मैं ये पार्ट खत्म कर दूंगा, ठीक है। कल हम ये वाला पार्ट खत्म कर देंगे एंड वी विल स्टार्ट विद यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कि कहाँ कहाँ वो देखी गई हैं, हम कल फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल करेंगे, एक बार अटेंडेंस दे दो सभी। ओके, थैंक यू, ठीक है। कल देखते हैं, कल जो है हम ये करके वी विल स्टार्ट विद मेन चैप्टर, सब यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू।